बस्ती फ्लाईओवर हादसे का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। सीएम ने यातायात सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। मलबे में दो लोगों को निकाला गया है। योगी ने स्थानीय प्रशासन को भी निर्देशित किया है। राहत कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने। यातायात सुचारू करने के लिए भी मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है। खुद इस मामले का संज्ञान लिया है। मलबे में दो लोग फंसे हुए थे जिन्हें बाहर निकाला गया है। हादसे में बाल बाल बचे हैं दर्जनों लोग, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। मौके पर प्रशासन और निर्माण से जुड़े अफसर मौजूद हैं। तो बस्ती में निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिरा है। राहत और बचाव कार्य लगातार यहां पर जारी है। दो लोगों को बाहर निकाला गया है जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। एनएचएआई की एक और लापरवाही उजागर हुई है इस हादसे के बाद। इससे पहले भी NH-24 पर निर्माण में लापरवाही सामने आई थी। हादसा दर हादसा, लेकिन कोई सबक नहीं लिया जा रहा है। NHAI कोई सीख नहीं ले रहा। क्या वाराणसी फ्लाईओवर जैसी घटना का इंतजार कर रहा है NHAI? आखिर कब तक ऐसे ही फ्लाईओवर गिरते रहेंगे? तो हादसे में बाल बाल बचे हैं कई लोग, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। बस्ती में निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिरा है। हादसे में बाल बाल बचे हैं दर्जनों लोग। मौके पर प्रशासन और निर्माण से जुड़े अफसर मौजूद हैं। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। KMC लिमिटेड कंपनी भ्रष्टाचार का फ्लाईओवर तैयार कर रही है। NHAI की एक और लापरवाही सामने आई है। इससे पहले भी NH-24 पर निर्माण में लापरवाही सामने आ चुकी है। हादसा दर हादसा, लेकिन कोई सबक नहीं ले रहा है NHAI। क्या वाराणसी फ्लाईओवर जैसी घटना का इंतजार कर रहा है NHAI? KMC लिमिटेड और NHAI के अधिकारियों पर आखिर कब होगी कार्रवाई? कब गंभीरता से इस मामले को लिया जाएगा? ये हादसा उस वक्त हुआ जब NH नारास्ता चल रहा था। तो बात है छुटहिया की, तो NH-28 है जो लखनऊ गोरखपुर को जोड़ता है और साथ ही साथ दुधी मार्ग इसी रास्ते से होके गुजरेगा, इस पुल के नीचे से। आप देख सकते हैं कि पीछे हमारे पुल है, किस तरीके से पुल पूरी तरीके से धराशायी हो गया है। और जिस तरीके से पुल धराशायी हो गया है, आप देखिए कि जो सीमेंट लगे थे वो सीमेंट बाहर आ चुके हैं। ये जितने लगे हुए थे वो किस तरीके से, देखिए ये जो बीच का ब्रेक है, किस तरीके से ये ब्रेक हो गया है। इन सभी को देखने के बाद, चूंकि लगातार यहाँ पे काम चालू था, प्रशासनिक अधिकारी और तमाम और लोग बचाव के लिए यहाँ पे मौके पर पहुंचे। समाचार। वही बस्ती